नमस्कार बच्चों, मैं अनुपा कुमारी दीक्षांत एडुकेट से हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपने हिंदी विषय में क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पढ़ेंगे स्वर वर्ण। हमने पिछले कक्षा में स्वर्ण वर्ण में कहाँ तक पढ़ लिया है, आपको क्या याद है? तो नहीं है तो फिर से याद करा देती हूँ आपको। हमने पिछली कक्षा में ए से अ से लेके ए तक का जो भी वर्ण होता है वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ लिखना पढ़ना ही सीखा है, लिखना नहीं सीखा है। तो हम सारे वर्ण को पहले पढ़ लेंगे, उसको पहचान लेंगे और फिर उसके बाद उसको लिखना सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी कक्षा में। तो आज मैं आपका कुछ क्या करूँगी, कुछ आपको याद कराऊंगी कि पिछली कक्षा में आपने जो भी पढ़ा आपको कुछ याद है या नहीं याद है। तो याद कराने के लिए, अब स्वर्ण वर्ण तो आपको पता है ना, स्वर्ण वर्ण क्या होता है? अ से लेके अ तक का जो भी अक्षर होता है वो क्या होता है? स्वर्ण वर्ण होता है। तो अक्षर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे आपके दो नाम है ना, घर का नाम फिर स्कूल का नाम, तो उसी तरह से जो अक्षर है इसके भी दो नाम है, एक वर्ण और दूसरा अक्षर। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? स्वर। अब ये बताइए कौन सा वर्ण है? अ। और ये क्या है? आ। ये ई और ये ई। ये क्या है? ऊ। और ये क्या है? उ। थोड़ा उ को हम जोर से बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? री। क्या है ये? री। ये क्या है? ए। ये क्या है? ए। ये क्या है? ओ। तो ओ से जो है आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे ओ से अह तक, और बाकी जो हमने पिछली कक्षा में अ से लेके ए तक का वर्ण पढ़ लिया है, तो ठीक है। तो अ से क्या है? अनार। अ से अनार पढ़ो ना बच्चों, बताओ अ अनार का आगे बोलो, मीठा दाना खाते दादा खाते नाना, आ से आम बड़े रसीले, कुछ खट्टे हैं कुछ है मीठे, ठीक है। ई से इमली होती महान, है ना, इसकी चटनी होती है अच्छी। ये देखो ईख। ईख क्या है? ईख का दूसरा नाम है गन्ना, इससे बनता है चीनी और गुड़, चीनी है इससे बनता, किससे? ईख से। उसे उल्लू, उसे होता है उल्लू, और गर्मी लगे तो जाओ कुल्लू। कुल्लू मीन्स क्या होता है? कुल्लू एक शहर का नाम है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, जो बहुत ऊंचाई पे है, पर्वत पे है, ठीक है। तो ये उसे होता है उल्लू, गर्मी लगे तो जाओ कुल्लू। तो अब हम करेंगे आगे का पाठ शुरू। तो अब आपको बताना है ये चित्र देखकर कि बताइए ये किस वर्ण से शुरू होता है। ये जो पिक्चर है, सॉरी ये जो चित्र है, ये क्या है? चित्र है। ये किस वर्ण से शुरू होता है? तो इसका वर्ण क्या होगा? ऊ, ठीक है। ऊ को धीरे बोलेंगे, जो बड़ा ऊ है उसको बड़ा से बोलेंगे ऊ। ये क्या है? ऊ। ये ऊ से उल्लू, अभी तुरंत हमने बताया था, उसे उल्लू, उसे बच्चों होता है उल्लू, गर्मी लगे तो जाओ कुल्लू। जाते हो आप लोग मम्मी पापा के साथ घूमने ना गर्मी के छुट्टी में? अब देखो हिंदी, अब यहाँ पे चित्र का अक्षर से मिलान कीजिए। अब तो आपको पता है ये क्या है? अक्षर है या वर्ण है। तो इन वर्णों को किससे मिलाना है? इन वर्णों को हमें मिलाना है इस चित्र से। तो इस चित्र से हम मिलाएंगे, तो कैसे मिलाएंगे? तो हम पहले अक्षर को पहचानते हैं। ये क्या है? बड़ा ओ, क्योंकि इसके पीछे पूंछ निकला हुआ है, और जिसके पीछे पूंछ निकला होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
बड़ा ऊ यानी ऊ, तो ऊ से होता है ऊन, ऊ से क्या होता है ऊन। अब ये क्या है बताओ, ये क्या है एरी, तो एरी क्या है ये, यहां से हमें ऐसे इसको मैच करना है। अब देखो क्या है, री से ऋषि होते महान, देते सबको सच्चा ज्ञान, री से ऋषि होते महान, देते सबको सच्चा ज्ञान। ठीक है, सच्चा ज्ञान मतलब जो आपको सचमुच का सबको सच बोलने का शिक्षा देता है, अच्छी बातें बताता है, तो वो क्या होता है सच्चा ज्ञान। और अब कौन सा बच गया, उसे उल्लू, तो हमने क्या कर लिया इसको मिलान कर लिया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या है, चित्र को पहचानने और सही स्वर पर टिक करें। टिक मतलब ऐसे वाला जो लाइन होता है ना, जो मैम जिसमें ऐसे गुड देती हैं, लाइन खींच खींच के कॉपी चेक करती हैं, तो वही वाला टिक है ना। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, इमली है। इमली से क्या होता है, खाते खट्टा लगता है और मुंह में पानी आ जाता है, तो ये क्या है ई, तो कौन सा है, ये ई है, ये ई है, ये ई है, कौन सा ई है बताओ, ये, तो इसमें हम टिक कर देंगे। और ये देखो किसका चित्र है, किस वर्ण से स्टार्ट होता है, शुरू होता है ये री, तो री, तो यहाँ रहा ये री, तो इसको टिक करेंगे। उसके बाद ये क्या है बताओ, ये ओखली है, तो अभी हमने ये वर्ण पढ़ा ही नहीं है। और ये क्या है, अ आ ऊ, ये क्या है आप बताओ जल्दी, ये है आम, कौन है ये, फलों का राजा, तो खा लो इसको ताजा ताजा, तो आ जाओ और बताओ ये क्या है, तो टिक करेंगे हम आ। अब आ गए हम वर्ण पे, तो इसको हमें क्या पढ़ना है, ओ, क्या पढ़ेंगे इसको, ओ, क्या पढ़ेंगे, ओ ओ ओ, कैसे बोलना है, मुंह को थोड़ा खोल के बोलो ओ, तो ये हो गया ओ। अब ओ से क्या होता है, देखो ओ से ओखली, ओ से ओखली, और ओ से ओला, जब क्या होता है बारिश की बूंदें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी हम लोग के बारिश के साथ वो गिरते हैं जमीन पे, तो उसी को क्या बोला जाता है, ओला। और ये क्या है देखो, जब ठंडा का मौसम आता है ना, तो आपको पत्तों पे छोटे छोटे पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओ, सॉरी, किस वर्ण से स्टार्ट होता है, किस वर्ण से शुरू होता है, तो ओ, ओ से ओस, ओ से ओखली, ओ से ओला। और ये देखो तो क्या है, ओढ़नी है ना, सूट पहनते हैं ना मम्मी और बुआ, तो उसके ऊपर जो ओढ़नी ओढ़ते हैं, लंबे से साड़ी जैसा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओढ़नी। ये क्या है, ओढ़नी, ये क्या है, ओखली, ये क्या है, ओला, और ये क्या है, ओस। देखो सब में ओ आ रहा है ना, ओ, और ये क्या है, ओ, ओ क्या है, ये ओ, और ये क्या है, ओढ़नी में ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको क्या पढ़ना है हमें, ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली, क्या है चीज, मिर्च मसाले देती पीस, फिर से बोलो, ओ से ओखली, क्या है चीज, मिर्च मसाले देती पीस, कौन, ओ से ओखली, कौन पीसता मिर्च मसाला,
ओसे ओखली। आपके घर पे ओखली है? मेरे घर पे ओखली है, बहुत पुराना है। दादी माँ जो थी ना, वो उसमें अपने मसाले को डाल के और उसको कूटती थी, ठीक है। तो ओ से क्या होता है? ओखली। ओ से ओढ़नी। ओ से ओला। ओ से ओस। अब हम आते हैं कौन सा वर्ण, बताओ कौन सा? ये क्या है? औ। ये क्या है? औ। तो ये औ जो है उससे क्या होता है? औ से होता है औरत। औ से होता है औषधि। औ से होता है औलाद। औ से होता है औजार, है ना। ये देखो इसमें क्या है, ओ जो है उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार लकीर ऊपर की ओर खींचते हैं, लेकिन जो औ है उसमें हम ऊपर कितनी लकीरें खींचते हैं? दो। तो ये हो जाता है बड़ा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओ औ। औ से औरत, है ना। और औ से औषधि। और कौन सा होता है? देखो औ से क्या होता है? औजार। जैसे जैसे पापा का बाइक खराब हो जाता है ना, तो उसमें एक देता है ना बॉक्स जैसा, तो उसके अंदर बहुत सारे औजार होते हैं, नट वोल्ट होते हैं, पिचकस वगैरह होते हैं, तो वो सब क्या है? औजार है, ताकि आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो उसको ठीक कर सके। तो उसको हम लोग जो बॉक्स है उसके अंदर जो मटेरियल होता है, जो सामान होता है, उसको क्या बोलते हैं? औजार। और औलाद, जैसे बच्चे होते हैं वो माँ बाप की क्या होते हैं? औलाद। तो उनको हम लोग संतान, औलाद, दो चीज बुलाते हैं, ठीक है। तो ये औलाद किससे होता है? औ से। औषधि मीन्स क्या होता है? मेडिसिन। मेडिसिन समझते हो ना, जो कभी तबीयत खराब हो जाती है, हम लोग को फीवर हो जाता है या वोमिटिंग होती है, तो हम लोग दवा खाते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं? औषधि, ठीक है। दवा भी कहते हैं, औषधि भी कहते हैं। औ से औषधि। औ से औरत। औ से औजार। औ से औलाद। औ से औरत, ठीक है। क्या होता है? औ से औरत। तो औरत कैसी होती है? औ से होती है औरत, दिखती है माँ के जैसी। औ से होर, औ से होती है औरत ऐसी, जैसे कि माँ जैसी, ठीक है। तो हम जो औरत है वो कैसी होती है? माँ के जैसी होती है। कैसी होती है? माँ के जैसी। औ से औरत होती है ऐसी, दिखती है माँ के जैसी। फिर से बोलो, औ से औरत होती ऐसी, दिखती है माँ के जैसी। माँ की जैसी दिखती है ना औरत, ठीक है। तो ये औ से क्या क्या होता है बताओ? ये क्या है? औरत। ये क्या है? औजार। ये क्या है? औषधि। और ये क्या है? औलाद। तो हमने क्या क्या सीखा औ से? औषधि, औलाद, औजार, औरत, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया अभी? औ। अब कौन सा हम पढ़ेंगे? कौन सा अक्षर है ये? अंग। अंग। अंग क्या है? अंग, इसके ऊपर एक होती है बिंदी। इसके ऊपर क्या होती है? एक बिंदी। और जैसे लिखते हैं इसको, इसके ऊपर होती है बिंदी, तो इसको बोलेंगे हम क्या? अंग। अब अंग से क्या होता है? अंग से होता है, खुल गया सिमसिम, देखो क्या है ये? अंग से होता है अंगूर। अंग से होता है अंग। अंग से होता है अंडा। और अ से अंग से होता है अंधा, ठीक है। अंग से क्या क्या होता है? अंगूर। और अंग से अंडा। और अंग से
अंग, और अंग से अंधा। तो क्या है, जिसके ऊपर होती है बिंदी उसको बोलते हैं हम अंग। तो अंग से अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंधा। अंधा उसको बोलते हैं जिसकी आंखें नहीं होती, वो छड़ी लेके घूमता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। और ये क्या है, अंडा। आप खाते हो ना रोज रोज गोल गोल अंडा, तो अंडा खाते हो तो आपको मजा आता है ना। अंडा खाने से क्या होता है, आप मजबूत होते हो, तो अंडा खाते हो ना। तो वो किस वर्ण से शुरू होता है, तो वो शुरू होता है अंग से। तो अंग से क्या होता है, अंगूर। अंग से अंगूर, अंग से होता है अंगूर। क्या होता है, अंग से होता है अंगूर, ठीक है। खा लो इसको चुन चुन कर, ठीक है। अंग से होता है अंगूर, खा लो इसको दूर दूर, ठीक है। तो अंग से आपको और क्या होता है बताओ, मुझे रिवाइज कराओ, मुझे फिर से बताओ। अंग से अंग, अंग से अंडा, अंग से अंधा, अंग से अंगूर, अ से अंग, अंग से अंग। अंग मीन्स होता है जैसे हम लोग का बॉडी होता है ना, हम लोग का शरीर है ना, तो जैसे ये हाथ हो गया, पैर हो गया, तो कोई भी एक अंग, ठीक है, उसको कोई भी एक पार्ट जो होता है, कोई भी एक भाग शरीर का, कोई भी भाग क्या होता है, अंग होता है। तो अंग जो होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर बिंदी लगी होती है। तो अंग से अंगूर, अंग अंग से जो अंगूर होता है वो कैसा होता है, रसीला होता है ना। तो अंगूर कैसा होता है, रसीला, ठीक है। अंग से अंगूर होते हैं रसीले, खा लो इनको चुन लो इनको, खा लो इनको चुनकर पीले पीले, ठीक है। एक और कविता क्या होगी, अंग से अंगूर होते रसीले, चुनकर खा लो पीले पीले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंग से अंगूर। अब क्या आ गया ये, तो इसके पीछे दो बिंदी लगी है, देखो इसके पीछे दो बिंदी लगी है, तो क्या हो गया, अह। इसको बोलो अह, अह होता है खाली। क्या होता है, अह होता है खाली, बजा दो सब ताली, बच्चों बजाओ ताली, जोर से बजाओ ताली, क्योंकि आह से होता है खाली, आह से कुछ शब्द नहीं होता है, तो आह होता है खाली, बजा दो ताली, ठीक है। तो हमने ताली बजा दिया, अब देखो अब आपको क्या करना है, पहचानना है। तो बताओ ये क्या है, ये क्या है, ओ से ओखली, ओ से ओखली होती है कैसी, ठीक है। ओ से ओखली होती ऐसी, इससे मिर्च मसाले इससे पीसते हम। और ये क्या है, अंगूर, है ना, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर रसीले, चुनकर खा लो पीले पीले, ऐसे ऐनक, औसे औरत होती ऐसी, दिखती अपनी माँ के जैसी। तो हमने इसको मिलान कर दिया। अब देखो स्वर अ ओ में गोला लगाए, यानी कि जो इसमें ओ लिखा है उसको हमें गोला लगाना है। तो देखो ओ से ओखली ऐसे लिखा है, तो हम पहले चेक करेंगे कि इसमें एक लाइन ऊपर खींचना है। तो देखो ऐसा ऐसा कौन सा लिखा हुआ है, तो एक ये हो गया, इसमें तो ऊपर लाइन ही नहीं है, तो इस पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ ये वाला, तो इसको हम लोग गोला लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ही दिख रहा है, ये भी ऐसा ही दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या, ये भी दिख रहा है। तो हमने ओ को गोला लगा दिया। अब हम आते हैं कौन सा, इसके बाद आते हैं औ। ये क्या है, औ से औषधि। बाप रे देखो कितना बड़ा इंजेक्शन लगा है, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो मैं भी आपको इंजेक्शन लगा दूंगी, ठीक है।
कौन सा इंजेक्शन? पढ़ाई वाला इंजेक्शन। तो ये अ से औषधि। अब देखो ये अ कैसे लिखेंगे जिसपे ऊपर दो लाइन खींची हुई हो, तो ये है नहीं तो इसको क्रॉस करो, ये है तो इसको गोला करो, और बताओ कौन सा है, ये है तो इसको गोला करो, इसको गोला करो, इसको गोला करो, तो यही हो गया आओ। ये क्या हो गया आओ। अब आते हैं हम दूसरा। अब देखो अंग आ गया, तो अंग से अंगूर कैसे होते हैं, रसीले। अंग से अंगूर कैसे होते हैं, रसीले। इसके कितने रंग होते हैं, दो, एक तो होता है हरे रंग का और एक होता है ये बैंगनी रंग का। तो ये हो गया अंगूर। अंगूर होते हैं रसीले, चुनकर खा लो, पीले पीले जो पक जाते हैं ना वो थोड़े पीले दिखते हैं। तो अंग से अंगूर, तो इसके ऊपर क्या होती है बच्चों, एक बिंदी। तो बिंदी वाले वर्ण को गोला लगाना है, तो गोला लगाइए, देखते हैं कौन पहले गोला लगाता है, आप कि मैं। ये देखो तो बिंदी वाले जो भी वर्ण है उसको हम गोला लगा लिए। देखो अंग से अंगूठी, अंगूठी है आपके पास, अंग से क्या होता है, अंगूठी। तो ये हमने क्या कर लिया, गोला लगा लिया। अब आते हैं हम मिलान करते हैं। देखो अब मुझे बताओ, ये चित्र को देखना है और उसके वर्ण को पहचानना है। ये क्या है, ओ से अनार। कैसे लिखते हैं बताओ, ये वाला है या ये वाला? तो ये वाला है मैम, क्योंकि इसमें एक लाइन खींची हुई है। और आ से क्या होता है, आम, तो इसमें दो लाइनें खींची होती हैं, आ से आम। अब बताओ इमली का कहाँ है ई, तो देखो ई। और उससे क्या होता है, उल्लू, ये देखो उल्लू। और ये क्या है, सॉरी ये हमने गलत मिलान कर दिया, छोटा ऊ होता है ना उल्लू में, छोटा ऊ, तो मैंने बड़ा ऊ लगा दिया। तो यहाँ पे हम फिर से मिलान कर देंगे, उसे होता है उल्लू, ये हो गया ऊ, क्या हो गया ऊ। अब ऊ को खींच के ले जाएंगे हम ऊन पे, और बड़ी से क्या होता है, ईख। ईख का दूसरा नाम होता है गन्ना, चीनी और गुण है इससे बनता। ईख का नाम होता है गन्ना, गुड़ चीनी है इससे बनता। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वर्ण वर्ण हमने मिलान किया। अब देखो फिर से मिलान करेंगे। अब ये अ से लेके अह तक है, तो हमने स्वर्ण वर्ण पढ़ लिया है ना, अ से लेके अह तक। अब हम सब चित्रों को उसके वर्ण से मिलान करेंगे। तो आप पहले मिलान करोगे कि मैं, ये बताओ क्या है, अ, तो अ से क्या होता है, अनार। कहाँ है अनार, ये रहा। आ से क्या होता है, आम। कहाँ होता है आम, देखो ये रहा आम। उसके बाद क्या है, ई। ई से क्या होता है, इमली, खट्टी खट्टी होती है इमली। ई से होता है ईख। कहाँ है ईख, देखो तो ईख नहीं है क्या, तो हम ई से छोड़ देते हैं, नहीं ये रहा ईख, मिल गया हमको। फिर उसे क्या होता है, उल्लू। बड़ा उसे क्या होता है, ऊन। तो देखो बच्चों कहाँ है ऊन, देखो ये रहा ऊन। और ऋषि क्या होता है, ऋषि होता ऋषि महान, देता सबको सच्चा ज्ञान। ए से एरी, एरी से हम क्या है, चलते। ऐसे ऐनक होता है सबके पास, पढ़ते हैं हम इसके साथ। ओ से ओखली, ऐसी होती मिर्च मसाले सबको पीसती।
अ से औरत होती ऐसी, लगती जैसी मम्मी की जैसी। और अंग से अंगूर, रसीले रसीले, चुनकर खा लो पीले पीले। आह से होता है खाली, बजा दो बच्चों जोर से ताली। तो ये हमारा हो गया स्वर वर्ण। तो अब हम क्या कर लिए, सबका मिलान कर लिए। तो कौन पहले मिलान किया, मैम की कि आप लोग किए? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहले कर लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार अपने उंगली को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। और आप लोग को क्या करना है, पहचानना है कि मैं कौन सा वर्ण लिख रही हूँ। तो देखो ये क्या है, बताओ। सही बोले, ऊ। और ये क्या है, बड़ा ऊ। वह बहुत अच्छे बच्चों। उसके बाद देखो ये बताओ, बताओ ई। तो सभी बच्चों ने पहचान लिया। तो आज हमारा स्वर्ण वर्ण क्या हो गया, ये हमने पूरा अ से लेके अ तक का स्वर्ण वर्ण सीख लिया। अब हम अगले पाठ में क्या करेंगे, इसको लिखना सीखेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को गृह कार्य में क्या करना है, तो आप लोगों को अ से लेके अ तक के अक्षर को दोहराना है और उसके से बने शब्द को भी दोहराना है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और उसके बाद लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो मिलते हैं आप अगले पाठ में अगले नए नए शब्दों के साथ।